के हरिद्वार में पुलिस ने दो शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शार्प शूटर मेरठ से हरिद्वार की तरफ आ रहे थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार को रोका जिसमें चार बदमाश सवार थे, जिनमें से दो आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश सुंदर भाटी गैंग के बताए जा रहे हैं और ये बदमाश किसी भी हत्या के इरादे से हरिद्वार आ रहे थे। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर उत्तराखंड में लगातार क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ता जा रहा है और पुलिस इस तरह की वारदातों पर रोक लगाने में नाकाम साबित क्यों हो रही है। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को जब रोका गया तो उसमें से चार व्यक्ति थे, वो निकल के भागने लगे और पुलिस के द्वारा उनको पकड़ा गया और उसमें उन्होंने फायरिंग भी करी है। तो जब पकड़ा गया तो दो लोगों को उसमें से लेके आए हैं और पूछताछ के दौरान पता चला है कि हरिद्वार में वो एक मर्डर करने के लिए आए थे और मेन अक्यूज जो सोनू है, जो भाग चुका है और उसके साथ राहुल भी फरार है, तो सोनू का ये प्लान था कि इसको हायर करके, नितिन को और कपिल शर्मा को हायर करके हरिद्वार में, हरिद्वार के ही किसी व्यक्ति द्वारा इनको सुपारी